बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिलाई मेथड। व्यूअर्स, आज आपके साथ मैं ओपन शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। ये देखिए, मेरे पास ये फैब्रिक है और ये 2.5 मीटर कपड़ा है मेरे पास। तो सबसे पहले हम इसकी तह लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो इस तरह से सेंटर से हम पकड़ेंगे और कपड़े को अच्छे तरीके से हम बिठा लेंगे। तह लगाने के बाद हम शर्ट की टोटल लेंथ 38 इंचेस ले रहे हैं। तो यहाँ मैं मार्क करके इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और यहाँ से हम कट कर देंगे। अच्छा जी, तय हमने लगा ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है। इसके बाद ये देखिए जो ये फ्रंट पार्ट है हमारा, इसको हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये 1/2 इंच हमने इसलिए एक्स्ट्रा लेना है, वहाँ पे हमने पट्टियाँ अटैच करनी है और जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारा सिलाई में आ जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए बिल्कुल 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। ऊपर वाला जो हमारी ऊपर वाली साइड है उसका हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बिठा लेना है। अब हम तीरे का मार्क करेंगे और तीरा हम जो हमारी बैक साइड है उसके मुताबिक रखेंगे। तो 8 इंच पे मैं तीरा मार्क कर रही हूँ। और 8 इंच पे ही हम कंधा मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम लाइन को अटैच कर लेंगे। अब यहां मैं जस्ट 11 इंचेस लूंगी और 1 इंच कटिंग के लिए। और इस तरह से हल्की सी शेप देके, थोड़ी सी फिटिंग की 1/2 इंच शेप देके, तो कुर्ते की हम बिल्कुल सीधी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। साथ ही हम कटिंग की मार्किंग कर लेंगे। अब हम कंधे की गोलाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरह से गोलाई देते हुए हम कटिंग के मार्क तक ले जाएंगे। और 1 इंच हम फ्रंट कंधे की गोलाई के लिए मार्क करेंगे और इस तरह से शेप देके सिलाई वाले मार्क तक अटैच कर देंगे। यहाँ पे नेक हमारा 2.5 इंच पे मार्क करके, तो इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कंधों की कटिंग करेंगे।
इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को सेंटर से जो है वो कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे ये दो पार्ट हो गए हैं। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो हम 2.5 इंच पे इसकी चौड़ाई ले रहे हैं और 4 इंच पे इसकी लंबाई ले रहे हैं। इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर हम शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है और कटिंग कर लेंगे साथ। अब हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे इसकी चौड़ाई लेंगे और इसकी लंबाई हम 3 इंच पे लेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी शेप देके इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो यहाँ ओपन साइड की तरफ हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स की शेप दे देंगे हम। नीचे से मैं मार्किंग नहीं कर रही क्योंकि नीचे हमें चुनट्स डालनी है, तो हमें इतना ही फैब्रिक चाहिए। तो यहाँ हम सिलाई पर भी कट लगा देंगे। अब हम फ्रंट जो कंधों की गोलाई है वो करेंगे, तो दोनों पार्ट सीधे आमने सामने होने चाहिए। तो इस तरह से 1/2 इंच मार करके तो दो साइड को हम पकड़ेंगे और इस तरह से कट कर देंगे। अभी देखिए मैंने ये पट्टी ली है और इसको हमने इस तरह से डबल करके तो इसके ऊपर हमने ये पट्टी अटैच करनी है। ठीक है जी, ये हम दोनों साइडों पे अटैच करेंगे। तो ये देखिए, तो उल्टी साइड की तरफ हम पट्टी को इस तरह से रखेंगे और जो पट्टी की चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ली है। तो इस तरह से ऊपर हम इसको पहले सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद इसको हम सीधी साइड की तरफ मोड़ेंगे और फोल्ड करके तो इस तरह से इतना सा हमारा तकरीबन ये 1.5 इंच है पट्टी की जो चौड़ाई है, तो इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड पर पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। अब हम तीरे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए तीरे की सिलाई हमारी लग गई है। इसके बाद हम नेक को भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अरेब कट में पट्टी ली है और इसको हम इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और नेक की सीधी साइड के ऊपर इस तरह से रखेंगे और ऊपर हम सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से सारा सिलाई करने के बाद हम पट्टी को उल्टी साइड की तरफ मोड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से बिठा के तो इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम स्लीव्स की सीधी साइड के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम धागे को खींचेंगे और इसके ऊपर हम चुनट्स डालेंगे। तो चुनट्स हम अच्छे से इस तरह से दोनों साइड की तरफ डालेंगे और इस चुनट्स को हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए चुनट्स हमने डालनी है और यहाँ मैंने ये पट्टी ली है और इसकी जो चौड़ाई है मैंने 6 इंच ली है।
और इसकी जो लंबाई है हम स्लीव्स की लंबाई के मुताबिक लेंगे। तो इस पट्टी को हम इस तरह से उल्टी साइड की तरफ पहले सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद इसको हम सीधी साइड की तरफ मोड़ेंगे इस तरह से फोल्ड करके। तो जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल इसी के ऊपर हम सिलाई करते जाएंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर देंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स रेडी कर लिए हैं। अब ये देखिए मैंने अपने पट्टी के ऊपर इस तरह से बटन्स को भी अटैच कर लिया है। अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से वन फोल्ड करके डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है और इसके बैक पार्ट पे भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है। अब मैं यहाँ पे एक पट्टी ले रही हूँ और इसकी जो चौड़ाई है मैंने 2 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने काफ़ी सारी ली है जो कि हम इसकी स्ट्रिप्स तैयार करेंगे। तो इस तरह से पहले हम पट्टी को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल 1/2 इंच हम छोड़ेंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम नीडल की मदद से इस पट्टी को हम सीधा करेंगे। तो पहले हमने इस तरह से गिरा लगा ली है और इस नीडल को हम इस तरह से अंदर करते जाएंगे और दूसरी साइड की तरफ इसको हम निकालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी पट्टी सीधी हो गई है। ये मैंने 2 पट्टियाँ इस तरह से रेडी की हैं और इनको प्रेस कर लिया है। तो इन पट्टियों को हम अपनी कुर्ती के साइड पे अटैच करेंगे। ऊपर से हम नीचे 14 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने मार्किंग की हुई है। तो यहाँ पे हमने अपनी पट्टी को अटैच करना है। तो पहले तो हम इन पट्टियों को 4 पट्टियों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको बराबर पकड़ा और सेंटर से मैं कट कर दूंगी। तो इस तरह से ये हमारी 4 पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब हमने ये जो सिलाई वाला है मार्क इसकी दोनों साइडों पे हमने पट्टियाँ अटैच करनी है। तो 3 इंच की हम इसकी लंबाई रखेंगे। अब हम पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे जहाँ पे हमने मार्क किया है और इसके ऊपर सारी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से। सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी पट्टी को अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी पट्टियाँ अटैच हो गई हैं।
अब हम इस साइड पे भी पट्टियाँ अटैच कर लेंगे। यहाँ मैंने एक पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है मैंने 9 इंच ली है। इस तरह से हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई करेंगे। और इस पट्टी को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से 2 पट्टियाँ रेडी की हैं, इनको सीधा कर लिया है। अब हम अपनी कुर्ती को लेंगे और नीचे से इसकी सिलाई के ऊपर हम इन पट्टियों को अटैच करेंगे। तो यहाँ मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ जितनी हमने इसकी लंबाई रखनी है पट्टी की। तो इसी तरह से हम बैक पार्ट पे भी 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करके तो इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। और इस पट्टी को सीधी साइड की तरफ मोड़ के यहाँ पे हम ये देखिए इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे और ये ऊपर हम बटन अटैच कर लेंगे। इसी तरह से ये देखिए मैंने दोनों पट्टियाँ अटैच कर ली हैं और इसके ऊपर भी बटन हम अटैच कर लेंगे। और अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो कुर्ती की हमारी उल्टी साइड होनी चाहिए और स्लीव्स हमारे सीधे। तो इस तरह से स्लीव्स को हम शर्ट के अंदर करेंगे और सिलाई की को सिलाई से इस तरह से मिला के स्लीव्स की हम सिलाई कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी सी वीडियोज़ ला सकूँ। मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए इजी सिलाई मेथड, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।